नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा H3N2 का पहला केस मिल गया। ये बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें, एमपी में मिला इन्फ्लुएंजा H3N2 का पहला केस। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि फिलहाल कर दी है। युवक की कोई ट्रेवल कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री नहीं है। 4 दिन पहले युवक के सैंपल ले लिए गए हैं। भोपाल के बैरागढ़ का युवक रहने वाला बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने H3N2 की रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है। तो सरकार की ओर से गाइडलाइन जो जारी हुई है उसका पालन करने को कहा गया है। तो H3N2 का पहला केस जो है वो मिल गया है। भोपाल में पहला केस ये मिला है। तो मध्य प्रदेश में इन्फ्लुएंजा का पहला केस सामने आया है। राजधानी भोपाल के एक युवक में H3N2 संक्रमण मिला है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि कर दी है। फिलहाल विभाग को उसकी कोई कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेवल हिस्ट्री नहीं मिली है। बुखार खांसी जुकाम के बाद 4 दिन पहले सैंपल लिए गए थे। भोपाल एम्स में सैंपल की जाँच हुई जिसमें इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई। इन्फ्लुएंजा का पहला मरीज मिलने पर चिकित्सा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने ये कहा है कि एम्स में जांच के बाद से ये जो जानकारी मिली है। संक्रमित युवक अभी होम आइसोलेशन में है। संक्रमित युवक को सर्दी जुकाम की शिकायत है, उसी अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। भोपाल में H3N2 का एक पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है। एम्स में जांच के बाद ये जानकारी मिली है कि H3N2 का एक पेशेंट मिला है, पर वो पूरी तरह स्वस्थ है, घर पर है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। उनको केवल जुकाम सर्दी की शिकायत है और उनके सभी पैरामीटर्स ठीक है और वो घर पर ही है। हॉस्पिटलाइजेशन की कहीं कोई जरूरत नहीं है और सभी चीजें उनकी सभी पैरामीटर्स नियंत्रण में है।